अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने इससे आगे के सबक में अलीफ से लेकर या तक के कटे हर्फ की मश्क को भी पढ़ा और समझा। प्यारे बच्चों, आज हमें इससे आगे का सबक यानी एराब पढ़ना है। एराब में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? जबर। जबर किसे कहते हैं? जबर कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों, जबर कहाँ होता है? हर्फ के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर जबर को देखेंगे। तो ये है जबर। कौन सा है? अलीफ के ऊपर जबर है। तो प्यारे बच्चों, हर्फ के ऊपर होता है जबर। प्यारे बच्चों, हमने अलीफ के ऊपर जबर लगाया तो हर्फ किस तरह पढ़ा जाएगा? तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे अलीफ जबर अ। इसी तरह हम यहाँ पर अलीफ की कटे हर्फ पर भी अलीफ जबर को देखेंगे। अगर हमने कटे हर्फ के अलीफ पर भी जबर लगाया तो हम कैसे पढ़ेंगे? अलीफ जबर अ। इसी तरह यहाँ पर कटे हर्फ की तीन तीन शक्ल को दिया गया है और तीनों तीन शक्ल के ऊपर जबर लगाया गया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि उसे किस तरह पढ़ा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिस तरह बा के ऊपर भी क्या है? जबर है। तो हम बा को कैसे पढ़ेंगे? बा जबर बा। तो यहाँ पर बा की तीनों शक्ल दी गई है कटे हर्फ की। किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जबर लगा दिया जाएगा तो बा जबर ब। इसी तरह ता, तो ता की भी तीनों शक्ल को यहाँ पर दिया गया है और तीनों हर्फ के ऊपर क्या है? जबर है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ता जबर त। इसी तरह सा, सा की भी तीनों हर्फ है, सा की तीन कटे हर्फ है और तीनों के ऊपर लगाया है जबर। हम सा जबर स पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? सा जबर स। इसी तरह सा के बाद कौन सा हर्फ आया? जीम। तो जीम की भी तीन कटे हर्फ को यहाँ पर बताई गई है और जीम के ऊपर क्या है? जबर है। तो प्यारे बच्चों, जीम जबर ज पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? जीम जबर ज। इसी यहाँ पर जीम के बाद कौन सा हर्फ आएगा? हा। तो यहाँ पर हा की भी तीनों कटे हर्फ को लिखा गया है और तीनों हर्फ के ऊपर जबर लगाया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं हा के ऊपर जबर लगाया है तो हम क्या पढ़ेंगे? हा जबर ह। इसी तरह हा के बाद कौन सा हर्फ आता है? खा। खा जबर ख। तो प्यारे बच्चों, खा की भी तीनों कटे हर्फ है और तीनों कटे हर्फ के ऊपर जबर है तो हम क्या पढ़ेंगे? खा जबर ख। इसी तरह दाल, तो दाल की भी कटे हर्फ है और दाल की कटे हर्फ पे भी जबर है तो हम क्या पढ़ेंगे? दाल जबर द। इसी तरह दाल के कौन सा हर्फ आएगा? दाल के बाद आता है जाल। तो प्यारे बच्चों, जाल जबर ज। जाल के ऊपर भी हम जबर देख रहे हैं कि जाल जबर ज। इसी जाल के बाद आता है रा। रा जबर र। तो रा की भी कटी भी लिखी गई है और बताया गया है कि कटे हर्फ के ऊपर जबर है तो रा के कटे हर्फ को भी इसी तरह पढ़ा जाएगा, रा जबर र। इसी तरह जा जबर ज। इसी तरह प्यारे बच्चों, जा के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो जा के बाद आता है सीन। तो बच्चों, यहाँ पर सीन की भी तीनों कटे हर्फ को लिखा गया है और सीन की भी तीनों कटे हर्फ के ऊपर जबर है तो क्या पढ़ेंगे हम? शीन जबर स। इसी तरह शीन, शीन जबर श। शीन की भी तीनों कटे हर्फ है। इसी तरह स्वाद, स्वाद की भी तीनों कटे हर्फ के ऊपर जबर है तो हम क्या पढ़ेंगे? स्वाद जबर स। इसी तरह प्यारे बच्चों, दौत, दौत के ऊपर भी जबर है तो हम क्या पढ़ेंगे? दौत जबर द। इसी तरह दौत की तीनों कटे हर्फ है। इसी तरह दौत के बाद हर्फ आया तो क्या पढ़ेंगे? तो जबर। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह तो के बाद कौन सा हर्फ पढ़ेंगे? तो के बाद आता है जो। तो यहाँ पर हम जो की भी तीनों कटे हर्फ को देखेंगे और उसके ऊपर जबर लगाया है। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जो जबर ज। इसी तरह जो के बाद आता है एन। एन की भी तीनों कटे हर्फ को यहाँ पर दिखाया गया है और जबर लगाया है तो एन जबर अ। इसी तरह हम एन के बाद कौन सा हर्फ है? गैन। गैन के ऊपर भी जबर है तो हम पढ़ेंगे गैन जबर ग। इसी तरह गैन के बाद कौन सा हर्फ है? फा। तो फा के ऊपर भी जबर है तो हम क्या पढ़ेंगे? फा जबर। फा की भी तीन
नॉटी हर्फ है। तो प्यारे बच्चों फा के बाद कौन सा हर्फ आता है? कॉफ। कॉफ के ऊपर क्या है? कॉफ जबर गब। इसी तरह प्यारे बच्चों तीनों बड़े हर्फ के ऊपर क्या लगाया गया है? जबर। जबर लगाने से हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है वो यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा के कॉफ की भी तीनों कटी हर्फ है और ऊपर जबर है, तो हम कॉफ जबर क पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा हर्फ आता है? काफ। काफ जबर क। तो यहाँ पर भी काफ की तीनों कटे हर्फ को दिखाया गया। काफ के बाद कौन सा हर्फ आया? लाम। तो लाम पर भी जबर है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लाम की तीनों कटे हर्फ को देख रहे हैं और लाम जबर ल पढ़ाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? लाम जबर ल। इसी तरह लाम के बाद कौन सा हर्फ है? मीम है। यहाँ पर मीम की भी तीन हर्फ को दिया गया है और उसी के ऊपर क्या है? जबर है। तो मीम को हम कैसे पढ़ेंगे? मीम जबर म। इसी तरह मीम के बाद कौन सा हर्फ आया है? नून। तो यहाँ पर हम नून को देख रहे हैं कि नून के ऊपर भी जबर है, तो नून की तीन कट हर्फ है और तीनों तीन कट हर्फ के ऊपर जबर है, तो यहाँ पर नून जबर न पढ़ेंगे। नून के बाद कौन सा हर्फ आया है? नून के बाद आया है वाव और वाव के ऊपर भी क्या लगाया है? जबर लगाया है, तो यहाँ पर हम वाव को भी इसी तरह पढ़ेंगे, वाव जबर व। इसी तरह वाव के बाद है दो चश्मा, उसी के ऊपर भी जबर है और हमें इसे भी हाथ जब पढ़ना है। इसी हाथ की कटे हर्फ है और इसी तरह के बाद कौन सा हर्फ है? ता। गोलता, जिसे हम क्या कहते हैं? गोलता कहते हैं। उसी के ऊपर भी जबर है, जबर वाले हर्फ को क्या पढ़ा जाएगा? ता जबर त। इसी तरह बच्चों ता जबर त के बाद कौन सा हर्फ है? हमजा। यहाँ पर हमजा को देख रहे हैं, हमजा के ऊपर भी जबर है और हमजा भी कटे हर्फ है, तो प्यारे हमजा के ऊपर जबर लगाया है तो हम क्या पढ़ेंगे? हमजा जबर अ। इसी तरह हमजा के बाद कौन सा हर्फ है? तो या। या की भी तीनों कटे हर्फ को यहाँ पर दिखाया गया, तो यहाँ या के ऊपर भी क्या है? जबर। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? या जबर य। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने अलीफ से लेकर या तक की तीन तीन कटे हर्फ के ऊपर जबर है और तीन तीन कटे हर्फ को कैसे पढ़ा जाएगा वो पढ़ा। या है तो या जबर, नून जबर नम। यानी यहाँ से हमने ये मालूम होता है, इस सबक से हमें ये समझना है कि अलीफ से लेकर या तक किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जबर लगा हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? लाम जबर ल, मीम के ऊपर तो मीम जबर म, नून के ऊपर तो नून जबर न। तो प्यारे बच्चों ये हमने जबर वाले हर्फ की मश को पढ़ा। प्यारे बच्चों अब हमें हमारी नोटबुक में अलीफ से लेकर या तक के तीन तीन कटे हर्फ के ऊपर जबर लगाकर हमें लिखना है। एक बार हमारा होमवर्क करना है प्यारे बच्चों, अलीफ से लेकर या तक के कटे हर्फ के ऊपर जबर लगाकर बोल बोलकर हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा आज का सबक।